हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। हमने अभी तक महालैनोबिस जो मॉडल है उसको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर महालैनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ डिस्कस किया। आज हम रेशनल ऑफ महालैनोबिस ग्रोथ मॉडल के ऊपर बात करते हैं, आगे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट महालैनोबिस रिकॉग्नाइज दैट आउटपुट कैपिटल रेशियो बीटा सी इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इज ग्रेटर देन द आउटपुट कैपिटल रेशियो इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। ये इन वर्थ नथिंग, ये ध्यान देने योग्य है कि महालैनोबिस जो मॉडल है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो अपनी कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, कि जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है उसके में, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में, ठीक है, आउटपुट जो कैपिटल अनुपात बोले तो आउटपुट कैपिटल रेशियो है, मींस आउटपुट कैपिटल रेशियो मींस बीटा सी इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इज ग्रेटर देन द आउटपुट कैपिटल रेशियो इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। जो बीटा सी है वो ग्रेटर है बीटा के कंपेरिजन में। इफ दिस इज द केस देन इट अपेरेंटली एम्प्लाइज द ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ इनकम विल बी ग्रेटर इफ मोर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। यदि इस जो मैट ये है इस देन इस केस में अगर यदि इस केस में अगर हम ये देखें कि जो उपभोक्ता जो अपनी जो कंज्यूमर गुड्स है वो वस्तु के तो इन इस केस में अपन देखें तो अपन देखते हैं देखें कि आउट अपन इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स में अगर इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स सेक्टर बीटा सी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम और बोले तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भाई बीटा सी है वो ग्रेटर देन है बीटा के इसके कंपेरिजन में। तो जो अपन कंज्यूम बीटा सी में या कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपन जब तो क्या इंक्रीज तो हमारा इन्वेस्टमेंट अपन ने ज़्यादा जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अपना क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, ग्रोथ ऑफ आउटपुट उतना ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। बट इन दिस केस द हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम विल बी ओनली इन द शॉर्ट रन। लेकिन ये वृद्धि जो इनकम में जो ग्रोथ होगी इनकम की, हायर ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, इनकम की जो ग्रोथ रेट हायर है वो केवल और केवल एक शॉर्ट रन में ही हाई होगी। कहाँ होगी? शॉर्ट रन में जो इनकम की जो हाई होगी वो वहाँ होगी। एज ग्रोथ इक्वेशन थर्ड अबव शो दैट आफ्टर ए क्रिटिकल रेंज ऑफ टाइम द लार्जर द इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड टू कैपिटल इंडस्ट्रीज लैम्बडा के लाइक द हायर विल बी ग्रोथ इन आउटपुट और इनकम। अगर अपन देखें तो अपन थर्ड इक्वेशन देखें ऊपर है इक्वेशन बीटा के लैम्बडा के आई टी माइनस वन वाली, तो उसमें लैम्बडा के जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है अगर उसको लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर एलोकेट किया जाए तो एक क्रिटिकल रेंज ऑफ टाइम में तो हायर विल बी ग्रोथ इन आउटपुट और इनकम। तो अपनी जो ग्रोथ होगी इनपुट जो आउटपुट और इनकम है उसकी ग्रोथ होगी वो हाई होगी। एलोबरेटिंग दिस पॉइंट प्रोफेसर राज स्टेट द लॉजिक हेयर इज द सेम एज द मोर कॉमन प्रोपोजिशन दैट ए हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्टिव फैक्टर यूज बाय एक्यूमलेशन वुड रिजल्ट इन ए सिमिलर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बींग अवेलेबल फॉर कंजप्शन इन शॉर्ट रन बट दैट ओवर ए लॉन्गर पीरियड इट वुड रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजप्शन। द डिफरेंस इज दैट द चॉइस इज हेयर स्टेट एज बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज।
प्रोफेसर राज ने इसका लॉजिक दिया था कि सेम लॉजिक है इसमें, कोई सामान्य अधिक आम प्रस्ताव ही है, मोर कॉमन प्रोपोजिशन दैट हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है अपनी, तो इसका रिजल्ट क्या सीधा सब रिजल्ट यही रहेगा, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बीइंग अवेलेबल फॉर कंजप्शन शॉर्ट रन, बट जो अपन जो आउटपुट होगा, तो अपन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा कर रहे हैं निवेश की, हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और उत्पादन जो आउटपुट है वो थोड़ी मात्रा में हो, मतलब कम हो तो उपलब्ध होगा, तो उसका सीधा सा मतलब शॉर्ट टर्म में जो कंजप्शन होगा वो डिफरेंट कंजप्शन होगा, ठीक है। तो कंजप्शन शॉर्ट रन में कंजप्शन कम होगा, अवेलेबल आउटकम ऑफ कंजप्शन अपन अवेलेबल रहेगा कंजप्शन के लिए, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड इट वुड रिजल्ट हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंजप्शन, द डिफरेंट इज दैट्स द चॉइस। तो अगर जो शॉर्ट टर्म में तो भाई अपन जैसे इन्वेस्टमेंट अपन ने किया हायर, तो शॉर्ट रन में अपने इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, बल्कि उन्होंने फिर यूँ कहा है अगर जैसे ही इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ ग्रोथ है अपनी वो हायर हो जाएगी, अगर द डिफरेंट इज दैट, तो लॉन्ग पीरियड में देखा जाएगा जो जो हायर रेट ऑफ ग्रोथ होगी, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, लॉन्ग पीरियड में हायर ग्रोथ रेट रहेगी और साथ में एक लंबी अवधि के जिसके जो अपने जो जो इसका रिजल्ट होगा उसके रिजल्ट में क्या देखेंगे, एक डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो अपने इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, इन दोनों की चॉइस में क्या डिफरेंट है, अलग अलग है ये दोनों, अलग अलग चॉइस रहेगा दोनों में, ठीक है। जैसे कि मैं बात बोलूँ, इन्होंने कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट हायर है तो अपना शॉर्ट टर्म में तो अपन जो जो रिटर्न होगा आउटपुट होगा वो कम होगा, और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगा, तो हाई ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म में रहेगी ऐसा कहा है इन्होंने। और जो इसमें का रिजल्ट क्या रहेगा, इसकी वजह से जो अपना जो केसी और के सॉरी कंज्यूमर जो गुड्स थी और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्रीज थी, तो वो दोनों अलग अलग है ना भाई, ऐसा कहा है इन्होंने, ठीक है। अपन अब आगे बात करें इससे, द रेशनल ऑफ मालेनोविस ग्रोथ मॉडल एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड में देखे विदाउट मैथमेटिकल लैंग्वेज का अगर सिंपल वर्ड एक्सप्लेन करें, तो अकॉर्डिंग टू मालेनोविस रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल फॉर्मेशन और रियल इन्वेस्टमेंट। अगर इस अपन मालेनोविस जो मॉडल है इस, तो इस ग्रोथ मॉडल को अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज के बिना सिंपल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, सिंपल फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो मालेन इसका जो मॉडल है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो डिपेंड किस पे है, कैपिटल फॉर्मेशन और रियल इन्वेस्टमेंट पर बेस होगी। द ग्रेटर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन द ग्रेटर द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कहते हैं कि अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन अगर ग्रेट है, मतलब ऊंची है, ज़्यादा रेट में है, तो अपना जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होगा उसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब बात करें आगे थोड़ा, द रेशनल ऑफ मालेनोविस ग्रोथ मॉडल एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैन बी एक्स, अपन आगे बात करें अब, तो जो अपन ने बता दिया कैपिटल फॉर्मेशन ऊंचा रहेगा तो अपना रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट अकॉर्डिंग टू मालेनोविस डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है डिस्पेंड किस पे है, मालेनोविस के अकॉर्डिंग वो डिपेंड होगी अपनी इकोनॉमी के ऊपर, कैपेसिटी इकोनॉमी की कैपेसिटी के ऊपर कि भाई वो कैपिटल गुड्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स की जो प्रोड्यूस करने की जो इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा अपना रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दस अकॉर्डिंग टू हिम गिवन ए क्लॉज इकोनॉमी द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड नॉट अपॉन द सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अपन क्लॉज इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर क्लॉज इकोनॉमी है तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग पर डिपेंड नहीं होगी इकोनॉमी में, बट ऑन द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। तो वो सेविंग पर डिपेंड ना हो करके रियल कैपिटल फॉर्मेशन वो होगा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस, उसकी जो कैपेसिटी है उस पर बेस होगा। इवन इफ द रेट ऑफ सेविंग वाज सस्टेनली रेज इन
ऑर्डर टू एक्यूलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमने अगर सेविंग रेट ऑफ सेविंग को इंक्रीज करने के साथ में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज कर किया है, इट वुड बी फुटाइल फॉर रिक्वायर्ड कैपिटल गुड्स वुड नॉट बी देयर इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। तो अगर ये क्या जो अपन ने अगर सेविंग को इंक्रीज़ करके कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने की कोशिश की है, अपने ट्राई किया है, तो ये क्या है, फुटेल होगा क्योंकि काम का नहीं होगा, निरर्थक होगा, क्योंकि जो अपनी जो कैपिटल गुड्स जो है उसके प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है की कमी होने पर पूंजीगत वस्तुएं नहीं होंगी, आवश्यक जो वस्तु होंगी जो रिक्वायर्ड कैपिटल गुड्स वुड नॉट बी देयर क्योंकि जहाँ पर क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। अब इस सेविंग को इंक्रीज करके अपन ने कैपिटल फॉर्मेशन तो कर दिया, लेकिन कैपिटल गुड्स की जो रिक्वायर होगी वो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी नहीं होगी, कम रहेगी, और साथ में क्योंकि वो कम इसलिए रहेगी क्योंकि अपने जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स की जो कैपेसिटी है वो कम है। ऑफ कोर्स दिस इज़ बेस्ड ऑन क्लॉज इकोनॉमी अजम्पशन, ये इसलिए ये अपनी जो ये अजम्पशन है मालिनोव्स्की की ग्रोथ मॉडल की, ये कहाँ क्लॉज इकोनॉमी पर बेस है, ठीक है। दस अकॉर्डिंग टू हिम इफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड इन द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, अगर मालिनोव्स्की के अकॉर्डिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज में नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स में नहीं है, तो द कैपिटल द कंट्री विल फॉर एवर रिमेन डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्री फॉर द इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी फॉर रियल कैपिटल फॉर्मेशन। तो उन्होंने मालिनोव्स्की के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स में नहीं हो रहा है, तो अपनी जो तो वो कंट्री हमेशा हमेशा के लिए डिपेंड हो जाएगी फॉरेन कंट्रियों पर स्टील के इंपोर्ट करने के लिए, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे मशीनरी है रियल कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए जो मशीनरी है वो और स्टील वगैरह है कैपिटल गुड्स है, ये हम कहाँ डिपेंड हो जाएंगे, फिर कोई एक कंट्री डिपेंड हो जाएगी फॉरेन कंट्रियों पर अगर हमने हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हम फॉरेन पर डिपेंड हो जाएंगे हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू अर्न सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज अगर एक्सपोर्ट के थ्रू अपन इंक्रीज कर सके, द कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड इन सफिशियंट क्वांटिटी ऑनिंग टू फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो कॉन्ट्रेंट को अपन सफिशियंट जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कैपिटल गुड्स को वो भी नहीं कर सकते। द रिजल्ट विल दैट द रेट ऑफ रियल कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री विल रिमेन लो। तो जब अपन देखो अपन का एक्सपोर्ट इतना इंक्रीज अपन कितना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर ले, लेकिन सफिशियंट इतना अपना इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं होगा कि अपन कैपिटल गुड्स मंगा सके फॉरेन एक्सचेंज जो अपन किया है उसके थ्रू अपन इंडिया में कैपिटल गुड्स मंगा सके ऐसा नहीं सफिशियंट क्वांटिटी में ऐसा इंपोर्ट कर सके सफिशियंट क्वांटिटी में। अगर हम एक्सचेंज जो अपन फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू अपन अर्न करेंगे सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज, तो इतना सफिशियंट एक्सचेंज अर्न नहीं होगा कि अपन उस जो एक्सचेंज अपन फॉरेन एक्सचेंज से सफिशियंट क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सके कैपिटल गुड्स, इतना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इंडिया में। और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जो इंडिया में रियल कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट होगी और रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो रिमेन लो रहेगी, क्योंकि वो कहीं हमें लो ही रहेगी, हमेशा लो बनी रहेगी ऐसे। दस मालिनोव्स्की वाज ऑफ द ओपिनियन दैट विदाउट एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज इफ वुड नॉट बी पॉसिबल टू अचीव रैपिड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मालिनोव्स्की के ओपिनियन था कि बिना किसी एडुकेट इन्वेस्टमेंट के हैवी इंडस्ट्रीज में, इसे याद रखना है, बिना किसी वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट के बिना हम अपना जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलेवेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें पॉसिबल नहीं है।
देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस टू इफ वुड बी नेसेसरी टू गिव द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लान। अगर हमें ये सब अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है सेल्फ रिलायंस के बेसिस पर, ठीक है, तो ये जरूरी है, ये जरूरी होना चाहिए कि अपन कैपिटल गुड्स, जो बेसिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी दे उसको, और उसके डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में एक प्लान बनाए अपन। तो इसमें माल्यानोविस ने जो रेशनल अपन माल्यानोविस कल अपन ने माल्यानोविस का ग्रोथ मॉडल के ऊपर डिस्कस किया था, उसमें दो सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था, कंज्यूमर गुड्स में और प्रोड्यूस टू कैपिटल गुड्स में। तो इस इन दोनों के बारे में आज आपने रेशनल ऑफ माल्यानोविस ग्रोथ मॉडल पढ़ा कि कैसे इन अपन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे हम कंज्यूमर कैपिटल गुड्स सेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बेसिस पर आज डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।